हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ स्पेस सेविंग होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ ले आते हैं और उसको रखने में और स्टोरेज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और ये सुंदर दिखने वाले फ्रूट्स हमारे लिए क्लटर बन जाते हैं। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने फ्रूट्स को रखती हूँ। पहले मैं बताऊँगी कि कैसे आप अपने फ्रूट्स को हैंग कर सकते हैं और अपने काउंटर को फ्री कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक चेन। ये चेन यूजुअली हम अपने जो प्लांट्स हैं उनको हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टेनर्स है तो उसमें आप अपने सारे फ्रूट्स को रख लीजिए। यहाँ मैंने अपने जो कर्टन का जो रॉड है उसमें मैंने इन्हें हैंग किया है, तो इस तरह से आप अपने काउंटर को फ्री कर सकते हैं। एक और है, अगर आपके पास काउंटर में स्पेस है तो एक बड़ा सा ट्रे को यूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से रख दीजिए। आप अपने जितनी क्वांटिटी आपकी फ्रूट्स की है उसके अकॉर्डिंगली ट्रे को सेलेक्ट करें और उसके बाद बस अपने सारे फ्रूट्स को अरेंज कर लीजिए। देखिएगा आपके काउंटर में आपको और कुछ भी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके फ्रूट्स ही आपके काउंटर को डेकोरेट कर देंगे। ये आइडियाज़ उन लोगों के लिए है जिनके पास फ्रूट ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो आप इस तरह से अपने फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं। वार्डरोब में हम अपने कपड़ों को कैसे भी अरेंज करके रखें, लेकिन कपड़ों को निकालते समय और रखते समय ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं और जंबल्ड हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए और ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र कि निकालते समय और रखते समय हमें डिफ़िकल्टी ना हो और बार बार वार्डरोब को ठीक ना करना पड़े। तो ये मेरे पास है फोल्डेड क्लॉथ बोर्ड्स। इसमें हमें 5 पैक ऑफ बोर्ड्स मिलेंगे। इसमें आराम से आप अपने टी शर्ट्स को और शर्ट्स को, जीन्स को, पैंट्स को और अपनी कुर्तीज़ को अरेंज करके रख सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया ये एक्चुअली टी शर्ट और शर्ट्स के लिए ही है, लेकिन मैं अपनी कुर्तीज़ को इसमें अरेंज करूँगी। एक ट्रे में मैंने यहाँ पे 2 कुर्तीज़ को अरेंज किया है। अगर आप टी शर्ट्स रख रहे हैं तो आप 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमने ये फोल्डेड बोर्ड को यूज़ किया है तो आराम से हम कपड़ों को निकाल सकते हैं और वापस रख सकते हैं। वार्डरोब बार बार मैसी और जंबल नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत स्टडी है और आपको हेल्प करेगा आपके कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आपके पास बहुत कम स्पेस है। ये मेरे पास 2 बैग्स हैं। ये प्लास्टिक के बैग्स हैं और ट्रांसपेरेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, यानी कि ये काफ़ी बड़े हैं, तो इसमें आप आराम से अपने ब्लैंकेट्स तक भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे अपने वार्डरोब के अंदर रखें या बेड के नीचे में रखें। ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण आपको इसमें लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ विजिबल रहेगा और आपको याद रहेगा कि इसमें आपने कौन से कपड़े को रखे हैं। चाहे तो आप इसे अपने ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग्स को यूज़ करने से एक तो हमारे बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे और दूसरे सब कुछ विजिबल रहेगा और निकालना भी इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अवर बास्केट्स। अपने वार्डरोब में हम इस तरह से भी कपड़ों को रखते हैं और अलग अलग पाइल करके रखते हैं। कुछ कुर्तीज़ अलग रखते हैं और ट्राउजर्स पैंट्स को अलग अलग करके रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ ये मिक्सअप ना हो इसके लिए आप इस तरह के डिवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिवाइडर्स लेने के पहले आप अपने वार्डरोब का जो शेल्फ है उसको मेजर ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइडर्स आपके शेल्फ से बड़े होंगे तो ये आपके लिए यूज़लेस हो जाएंगे, तो मेजर करके ही इसे बाय करें। तो इस तरह से डिवाइडर्स यूज़ करने से सारे कपड़े अलग अलग रहेंगे और मिक्सअप नहीं होंगे। कुछ और तरीका है जिससे आप अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं इस तरह के अंडर कैबिनेट बास्केट को यूज़ करके। ऐसे बास्केट को यूज़ करने से आपको कुछ और स्पेस मिल जाएगा कुछ और चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल कवर और टेबल लाइनर को रखा हुआ है। तो इस तरह से भी आप अंडर कैबिनेट बास्केट को यूज़ करके एक्स्ट्रा स्टोरेज को बना सकते हैं। इस तरह के हैंकर्स के बारे में भी आप जानते ही होंगे। इसमें एक साथ आपको 9 से 10 स्पेस मिल जाता है
आपके कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैंने अलग अलग हैंगर में अपने कपड़ों को रखा हुआ है, हैंग किया है, और ये सारे हैंगर एक ही हैंगर में आ जाएंगे। बस इसे आपको इस तरह से कर देना है, तो देखिए आपका बहुत सारा स्पेस सेव हो जाएगा। इसके अलावा सेम चीज़ आप कर सकते हो एस हुक यूज़ करके और ये वाला चेन को यूज़ करके। ये चेन वही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम अपने प्लांट्स को हैंग करते हैं, बस ये आपका वही काम करेगा जो इसके पहले मैंने आपको हैंगर के बारे में बताया। बस सारे होल्स के बीच में आप अपने हैंगर्स को डाल दीजिए और देखिए कितने सारा स्पेस आप बना पाएंगे अपने वार्डरोब्स में। ये मेरे बाथरूम का वॉश बेसिन है। जब भी हम नल चालू करते हैं तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो तुरंत प्लम्बर को तो बुला नहीं सकते हैं, वो तुरंत आते भी नहीं है, तो उसके पहले जो प्लम्बर आए मैं अपना काम निकाल लूँ, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये एडहेसिव टेप्स। ये वाटर प्रूफ फॉइल टेप्स हैं। अगर आपके घर में कहीं पानी का लीकेज होता है, टैंक में या कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये एल्युमिनियम टेप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से पहले ड्राई अप कर लें, कुछ देर उसको छोड़ दें, उसके बाद ही आप इस टेप को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं प्लम्बर तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने ये टेप को यूज़ किया है, क्योंकि देखिए टेप ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, लेकिन दूसरी जगह में जहाँ आपके लीकेज होते हैं, जैसे कि जब पानी वगैरह डालते हैं ना, वो पाइप अगर लीक हो जाता है या आपके टैंक लीक करते हैं, तो वहाँ पर आप इस टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक प्लम्बर आता मेरा काम हो गया है, पानी बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है। इसे रूफ लीक्स में या विंडो सीलिंग में भी यूज किया जा सकता है। नाइफ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप मैग्नेटिक नाइफ ऑर्गेनाइजर को यूज कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, इसमें एडहेसिव है, तो इजीली आप वर्टिकली अपने वॉल्स में इन्हें लगा सकते हैं और अपने नाइफ्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अक्सर हम इस तरह के फ्रिज कवर को यूज़ करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बोरिंग और पुराना हो चुका है, तो आप अपने फ्रिज को थोड़ा सा नया लुक देने के लिए कोई भी अच्छा सा फैब्रिक आपके पास रखा हो, जैसे कि कर्टन्स, उसको आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं कुछ ब्यूटीफुल से लेसेस के साथ और टेसल्स के साथ, तो आपका फ्रिज में एक नया लुक आ जाएगा। तो आज के वीडियो में आपके लिए कौन सा हैक यूजफुल था कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नया आया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।